बड़ा शौक था ना इन लोगों के लिए खाना बनाने का। चलो अब खिला भी दो। तुम यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, किसी को हाथ तक नहीं लगाओगे। तुम इस मामले में दखल ना दो तो अच्छा है, क्योंकि ये घर मेरा है। तुम दोनों तो सोचना भी मत, समझे? और ये घर सबका है, सबका हक है इस घर पे। आइए लोग अंदर नाश्ता करें। क्या हुआ? यस। क्या हुआ? मेरे हाथ वो चीज ले, याने बस आप ने मुझे बताओ तो सब। जल्दी आओ, बंद करो बंद करो। विक्रांत विक्रांत, मुझे वो दवाइयां मिल गई जो ये लोग माहिर को दे रहे हैं। एंड शायद नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि जितनी मात्रा में वो दवाइयां दे रहे हैं ना, उसी वजह से माहिर की ये हालत है। उसके दिमाग पर इसी का बुरा असर पड़ रहा है। तो फिर तो हमें उन दवाइयों को बर्बाद कर देना चाहिए। कर लिया। क्या कैसे? वहां तो वो रोए नहीं थी ना? अरे सुमित्रा ने उसे अचानक बुला दिया तो वो जल्दबाजी में चले गई। उसके बाद मैंने अपना काम कर दिया। लेकिन विशाखा, मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमने उन दवाइयों को बर्बाद कर दिया है तो उन लोगों को हम पर शक हो जाएगा। तुम भी ना, तुम रहने दो। क्या रहने दो? कुछ नहीं। अरे बताओ ना, क्या रहने दो? क्या किया तुमने बताओ? यही कि मैं सिर्फ हॉट एंड गॉर्जियस नहीं, स्मार्ट भी हूँ। मैंने वो दवाइयाँ सिर्फ हटाई नहीं, उनकी अदला बदली कर दी। उन दवाइयों की जगह दूसरी दवाइयाँ रख दी। बड़ी समझदार निकली। मैं पैदा ही ऐसी हुई थी। ऐदा-वैदा कुछ नहीं, मेरे साथ रह के हो गई हूँ, दिमाग वाली। अच्छा प्लीज। हाँ बीवियाँ हमेशा दिमाग वाली होती है। और पति? पति कैसे होने चाहिए? दिल वाला। पति दिल वाले होने चाहिए, और अगर दिल वाले ना हो ना तो कम से कम पैसे वाले होने चाहिए। है पैसा? नहीं 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 खाऊंगा। मुझे आपको पता है ना, दवाई बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे नहीं अच्छी लगती। नहीं 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 नहीं, दवाई खाओ वरना मार खाएगा, समझो? चलो पकड़ो इसे। नहीं, मार खानी है फिर। नहीं, पकड़ो इसे। अगर हमारा शक सही है तो ये वही दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से माहिर के दिमाग पर बुरा असर पड़ रहा है। पर अभी शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये दवाइयाँ बदल दी हैं। मैंने कैप्सूल्स में से पाउडर निकालकर चीनी पाउडर भर दिया है। चलो गुड बॉय। अच्छी है। भाभी जी क्या हाल है? कहिए ये प्यारा देवर आपके लिए क्या कर सकता? मेरे रास्ते से हटो। क्यों, कहाँ जा रही हो? जा नहीं रही, आ रही अपने कमरे में। थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है तुम्हें। अभी कमरा आपका नहीं, और वैसे भी तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती है। उस पगले को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। He hates you. That's my problem. I will handle it. A lot more you can handle anyway. अब वो वाकई तुम्हारा प्रॉब्लम है। Enjoy. हटो यहाँ से। Joy. अब से ठीक 10 सेकंड बाद तुम माहिर का असली रूप देखोगी नागरानी, जो तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है। वो छूट जाएंगे तुम्हारे। All thanks to the medicine. 10, 9, 8. गुड नाइट बनी, गुड नाइट चुमो, गुड नाइट कुकू, गुड नाइट पांडा, गुड नाइट येलो। 5, 4, 3, 2.
ये क्या हुआ? लगता है पागल पहले ही सो गया। तुम आ गई? तुम कहाँ थी इतनी देर से? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था पता है? वो मैं कुछ काम से गई थी, सॉरी। पता है क्या हुआ? चलो तुम आ गई, तुम्हें देख के मैं बहुत 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 खुश हूँ, वेरी हैप्पी। पता है क्या हुआ? जब तुम नहीं थी ना, तब वो वाली लड़की आई थी, दूसरी वाली, और वो पता है मेरे ऐसे क्लोज आ गई, और मैंने उसकी बात भी नहीं सुनी, मैंने उसको भगा दिया। अच्छी नहीं थी माहिर, क्या पता वो अच्छी लड़की हो। नहीं 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 नहीं, वो अच्छी नहीं है, वो गुस्सा करती है। और वो पता है वो मुझसे कहने लगी कि तुम मेरे फ्रेंड बन हो गए। मैंने कि नहीं नहीं, कुट्टा भी कर लिया उससे। नहीं करी फ्रेंडशिप, क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो ना, अच्छी वाली। अच्छा तुम मुझे कहानी सुनाओगी? ओके ओके, स्टार्ट करो। क्या हुआ? पता नहीं, अचानक बहुत फिक्र हो रही है। क्यों? तुम ही तो कहते रहते हो कि पता नहीं मेरा प्लान सही है नहीं, मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए डर लग रहा है। वो तो मैं जानबूझ के तुम्हें छेड़ रहा था, परेशान कर रहा था बस। फिर भी विक्रांत, पता नहीं मैंने माहिर की दवाइयाँ बदल तो दी, वो कैप्सूल में से पाउडर हटा के उसमें चीनी का पाउडर डाल तो दिया, पता नहीं वो ठीक होगा, उसकी याददाश्त वापिस आएगी, सब अच्छे के लिए होगा। मुझे कुछ क्या हूँ? नहीं, मैं भी यही सोच रहा था कि क्या सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। विशाखा तुम घबराओ मत। हाँ, अगर ठीक नहीं होगा तो ये सब करने का फायदा क्या है? इनफैक्ट मीरा पर और भी मुसीबतें आ जाएंगी, और मुझे पता नहीं। विशाखा ज्यादा सोचो मत, सब कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ इतना ही कहोगे तसल्ली के लिए? मैं इतनी टेंशन में हूँ विक्रांत। और क्या करूँ, तुमने खाना खा लिया है, सोने जा रही थी। अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ना अच्छी सी चाय और कॉफी बना के ले आता हूँ। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? कॉफी बनाने। क्या तुम मेरे लिए कॉफी बनाओगे? अगर इस बात को लेकर तुमने मेरा मजाक उड़ाया ना, तो भूल जाना कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाऊंगा, चुपचाप जाकर सो जाऊंगा। कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। जा रहा हूँ, कॉफी बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। स्टार्ट करो। बहुत पहले की बात है। बहुत 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 पहले की बात है ना? मुझे पता है सारी कहानी ऐसे ही शुरू होती है, लेकिन तुमने तो एक ही बार बहुत बोला, तो एक बार से नहीं तीन बार बोलो। बहुत 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 पहले की बात है। अच्छा बाबा, तो बहुत 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 पहले की बात है। एक लड़का लड़की होते हैं और उनकी शादी हो जाती है। इससे हमारी होगी? बिल्कुल वैसी। और जब उनकी शादी होती है ना, तो लड़की को लगता है कि वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है, और वो उसको बहुत हेट करती है, बहुत बुरा भला कहती है, पर एक्चुअल में ना वो लड़का बहुत नाइस होता है, वेरी 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 नाइस। बिल्कुल मेरी तरह, जस्ट लाइक यू। फिर क्या होता है, फिर बताओ। फिर वो लड़की ना उसको बहुत हर्ट करती है, बहुत गुस्सा करती है, उसको बहुत बहुत तंग करती है। बैड गर्ल। पर वो लड़का ना उसको कभी हर्ट नहीं करता, हमेशा उसका साथ देता है, उसके बारे में अच्छा ही सोचता है, उसको बहुत प्यार करता है, उसकी बहुत परवाह करता है। बिल्कुल मेरी तरह, हमें ऐसे ही करना चाहिए। पता है मेरे पास भी ना एक रोबोट है, वो मेरी बिल्कुल बात नहीं मानता। जब मैं उसका राइट बटन दबाता हूँ तो हमेशा लेफ्ट को चला जाता है, लेफ्ट का दबाता हूँ तो राइट को चला जाता है, लेकिन मैं उसको कभी डांटता भी नहीं, मैं उससे कुछ भी नहीं कहता, मैं उसे तोड़ता भी नहीं। क्योंकि हम जब किसी से प्यार करते हैं तो फिर हमको उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमको उसको प्यार करना चाहिए और उसको माफ भी कर देना चाहिए गलतियों पर, तभी तो हम
तभी तो हम उसको प्यार बोलते हैं, नहीं? फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? फिर उस लड़की को भी उस लड़के की अच्छाइयां दिखने लग गई। उसको समझ आ गया कि he was not a bad guy, he was a very nice guy। और वो दोनों एक दूसरे को समझने लग गए, एक दूसरे से प्यार करने लग गए। फिर माहिर जी, उस लड़की को भी उस लड़के से प्यार हो गया। I love you more than anything else in the world. पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कैसे ठीक करूं। आपको इस हालत में नहीं देखो माहिर जी, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती कि आप मुझे देख के भी अनदेखा करते हैं। मैं नहीं सह सकती है कि आप अपनी बेला को ही ना पहचानते। मैं तुम जी नहीं पाऊंगी माहिर जी, मर जाओ। आपको ठीक होना होगा मेरे लिए, हमारे प्यार के लिए। How I wish कि भी मुझे कह पाते that you love me। वाह, विशाखा के लिए कॉफी बन रही है, वो भी विक्रांत बना रहा है। अरे क्या हुआ? वो तुम्हें पता नहीं है ना मुझे कैसी कॉफी पसंद है, स्ट्रॉन्ग बनाना, शक्कर कम और बहुत ज्यादा फैटना, ठीक है? ये कैसी बातें कर रहे विशाखा? क्या तुम मेरे लिए कॉफी बनाने गए थे ना? मैं कॉफी नहीं तो विशाखा, मैं तो अभी भी वापस लौट रहा हूँ। मैं तो हवेली के पास वाले जंगल में था, जड़ी बूटियां ढूंढ रहा था ताकि मैं किसी तरह माहिर की मदद कर सकूं। क्या? तो तुम यहाँ नहीं थे? नहीं। तो फिर विक्रांत वो कौन था? Yes, Mom. उन लोगों को पता चल गया कि माहिर को हम कौन सी दवाई दे रहे हैं, और ये भी पता चल गया कि हम जानबूझ के माहिर को इस कंडीशन में रख रहे हैं और उसे हम ठीक नहीं होने दे रहे हैं। ओ, ठीक है। हम लोग करेंगे क्या? इंतजार। मतलब? मेरे अगले कदम का इंतजार। क्या हुआ? Are you okay? Of course I'm okay, बिला। मुझे क्या हो सकता है? आपने मेरा नाम लिया, आपने बिला कहा, आपको मैं याद आ गई क्या? Of course बिला, तुम मुझे याद हो। तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं कुछ भी भूल सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। ऐसा ऐसा क्यों लग रहा है बिला? जैसे हमें मिले हुए बहुत वक्त हो गया, काफी महीनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। क्योंकि ऐसा ही है माहिर जी, हम बहुत महीनों बाद ही मिल रहे हैं। बहुत महीनों बाद मिल रहे हैं। माहिर जी देखिए, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। आप दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए, याद करने की कोशिश कीजिए। माहिर जी देखिए, आपको मेरा नाम याद आ गया,
आपको सब कुछ याद आ जाएगा माहिर। प्लीज कोशिश कीजिए, थोड़ा थोड़ा सोचिए, याद करिए। याद कीजिए, उस दिन हम क्लिफ पे थे, क्लिफ पे वो एक्सीडेंट, आपने आपने मुझे बचाने की कोशिश भी की थी। क्या हुआ माहिर, आपको याद आ रहा है? क्लिफ याद आ रही है आपको? मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। आपने मुझे बचाने की कोशिश की थी माहिर। मुझे सब धांधला दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत बुरा हुआ था। आपकी माँ यहाँ है। लोग यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से बाहर। युवी, खबरदार, आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? क्यों पीछे पड़े माहिर की हालत देखी होंगी? He's in pain. क्यों कर रहे हो ये सब उनके साथ? मुझे उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़ो मेरा हाथ माहिर जी। चलो चलो उठो। जाने दो मुझे, जाने माहिर जी। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता रही हूं। तुम ठीक तो? आप ठीक है भाई? क्या हो रहा है? आप ठीक? क्या हो रहा है मेरा? क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं। इतनी आसानी से कैसे जाओगी बेला? मुझसे भी तो निपटना होगा तुम्हें। चलिए माहिर जी। बेला समझ ली हो गया? मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी माहिर जी, पहले आप यहां से निकलिए। आई पकड़ लो सही हुई। नहीं चल, नहीं रुक जाओ, नहीं हुई, नहीं ले चले माहिर जी, संभल के। माहिर जी, माहिर जी भागिए, उठिए, भागिए यहाँ से। नहीं क्या कर सकते हैं? आयर जी, ये क्या हो रहा है? हे भगवान, इतना नीलापन, ये तो जहर से होता है। ये जहर तो पूरी तरह फैल गया। हाँ विश, अरे लेकिन ये कोई ऐसा वैसा जहर नहीं है, तो खुद विश हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कोई मामूली जहर नहीं बल्कि निढोग वंश का जहर है, जानलेवा जहर। जिसका मजा आज इस बेचारे माहिर ने भी चख लिया। गुड मूव मॉम।
वैसे बेला एक बात बताओ, तुमने मुझे कितना बेवकूफ समझा है? तुम्हें लगा था कि तुम वो दवाइयां बदल के उसके अंदर चीनी मिला दोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? इतनी बेवकूफ मैं नहीं, और तुम्हारे ये सुख दुख के साथी तुमसे ज्यादा बेवकूफ है। हाँ विश, मॉम सही कह रही, बेडरूम में ही बहुत बोलती हुई है। जो भी प्लान किया था ना, सब बता दिया। बहुत बुरा किया है। खासतौर से इस माहिर के साथ तो बहुत ही बुरा किया। देखो ना, जहर का कितना असर हो गया इसके ऊपर, इसका पूरा शरीर अब नीला पड़ रहा है। बेला तुम कुछ नहीं कर पाओ, एक काम जरूर कर सकती हो, तुम जोर जोर से दहाड़े मार के रो सकती हो, लेकिन तुमने मुझे प्यार से कहा है ना सासू माँ, तो मैं तुम्हें ऐसा रोता बिलकता थोड़ी ना छोड़ दूंगी। अच्छा क्या कहा था तुमने? हाँ, ये सबका घर है, सबका हक है, यहाँ यहाँ सबकी चलेगी, तो चला के दिखा दो ना। चलाओ इसकी सासे। चलो यूवी। और हाँ विश, कॉफी भिजवाता हूँ। माहिर के शेर में जहर फैलता जा रहा है, उसका शेर नीला पड़ता जा रहा है। रोही रोही, मैं जंगल से जड़ी बूटियां लेकर आया हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये माहिर के किसी काम के होंगे, क्योंकि माहिर के शरीर के अंदर निढोक वंश का जहर फैल रहा है। पर बेला, इस जहर को निकालने का कोई तो तोड़ होगा। वो कहते हैं ना, जहर जहर को मारता है, क्या पता निढोक वंश के जहर को हम में से किसी का जहर मार सके। रोही रोही, एक काम करते, माहिर के शरीर में मेरा खून चढ़ा देते, क्योंकि मैं भी निढोक वंश का हूं, हो सकता है कि मेरे मेरे खून से माहिर का जहर खत्म हो जाए। नहीं विक्रांत, नहीं, ये सब काम नहीं करेगा, मुझे सोचने दो। गुरुजी ने कुछ बताया था, उन्होंने कहा था जब जंगली बूटी काम ना आए, आग आकड़ा अश्वगंधा नाकाम हो जाए, पंच तत्व भी जहर की काट ना कर पाए, तब तो भोलेनाथ की नागमणि काम आए। नागमणि, यही तो मैं चाहती थी, इसीलिए मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया निढोक वंश का वो खास जहर पाने के लिए, जिसका इस्तेमाल मैंने माहिर पे किया उसे पागल बनाए रखने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि छोटी सी चाल को तुमने कुछ ज्यादा घुमा के कर दिया। अरे मैं क्या करती, मेरी बहू को इतना ज्यादा ड्रामा पसंद है, इसलिए मुझे सब कुछ इतनी ड्रामेटिकली करना पड़ा। रोनी, उस दिन तुम संजीवनी बूटी के बारे में कुछ कह रही थी ना, मतलब इसमें नागमणि काम आ सकती है? हाँ, क्योंकि वो विषधर भोलेनाथ की नागमणि, वो किसी भी जहर को बेअसर कर सकती है, निढोक वंश के जहर को भी। तो ये तुम्हें लगता है ये ठीक होगा कि इतने लोगों के बीच में हम यहाँ नागमणि लेकर आए? जहाँ हमारे दुश्मन उसकी ताक में बैठे हैं उसे लूटने के लिए, अब नागमणि ही संजीवनी बूटी बनेगी माहिर के लिए। वाओ मॉम, व्हाट अ प्लान! आपने इसलिए ये सब किया? और वो बेवकूफ बेला, समझ ही नहीं पाई। नाइस मूव। समझ तो हम भी नहीं पाए, लेकिन अब पाना पड़ेगा। और वो सब तो ठीक है, लेकिन बेला जो भी करेगी, जरूरी तो नहीं वो हमारी आंखों के सामने करेगी। हो सकता है वो माहिर को कहीं बाहर ले जाए, तब हम क्या करेंगे? कोई कुछ और करे ना करे रोहित, तुम्हें एक काम जरूर करना है, अपना मुंह बंद रखना है, ठीक है? बेला माहिर को कहाँ ले जाती है, इस बात से मुझे क्या फर्क पड़ता है? छत पे, खंडर में, कहीं भी ले जाए उसे, I really don't care। लेकिन जब वो नागमणि ढूंढने के लिए निकलेगी, तो बेला आगे आगे और मैं पीछे पीछे। बहुत बुरी तरह से फंस गई तुम बेला बहुरानी, अब क्या करोगी तुम? मैं नागमणि लाऊंगी।
मुझे नागमणि को यहाँ लाना ही होगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन रोहित, जानती हूँ बहुत खतरा है, हमारे दुश्मन है यहाँ पे जो नागमणि को मुझसे छीनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी माहिर के लिए मैं ये खतरा उठाऊंगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। उफ़, इसने लाइट क्यों बुझा दी? अब कितनी भी कम रोशनी हो, कम से कम उन लोगों की छाया को तो देख लूंगी और हो सका तो उन्हें पहचान भी लूंगी। आलेख, रोहिणी, इन लोगों से ही मिलवाना चाहती थी तुम दोनों को। वैसे हम तुम लोगों को इस तरह से मिलेंगे, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। और ना ही कभी मैंने सोचा था कि तुम लोगों से दोबारा दोस्ती होगी। क्या ये लोग यहाँ? लगा तो हमें भी नहीं था कि हम आप लोगों से दोस्ती करेंगे, लेकिन अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए मैंने, हम सब ने अपना इरादा बदल दिया। हाँ, हम तीनों आपके साथ हैं। बस आप अपना वादा याद रखना। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें दोनों चीजें मिलेंगी, बदला लेने का मौका भी और नागमणि में हिस्सा भी। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ विक्रांत, वो लोग छह थे, तीन नाग और तीन गिद्ध। उस सुमित्रा ने गिद्ध को भी अपनी तरफ कर दिया, वो सबको अपनी तरफ कर रही है, वो चालें चल रही है। तुम्हें भी पता है कि वो कुछ भी कर सकती है, हमें खत्म कर सकती है। उसने कहा था ना, हमें जाल में फंसा देगी, तुम्हें, मुझे, बेला, हम सबको। विशाखा, उसके पास हारने के लिए कुछ नहीं है विक्रांत, हमें माहिर की फिक्र, एंडी अंकल खूब, बच्चे की फिक्र, हमें सबकी फिक्र, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो विक्रांत, समझ रहा हूं। नहीं समझ रहे हो तुम अगर समझते तो कुछ करते। वो हमारे खिलाफ नागमणि के जरिए सबको हमारा दुश्मन बना सकती है, सबको लालच दे सकती है, हमें खत्म कर सकती है। वो एक फौज तैयार कर रही है हमें खत्म करने के लिए, वो कामयाब हो रही है विक्रांत। मैं मरना नहीं चाहती, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूं तुम्हारे साथ, मुझे मरना नहीं है विक्रांत, मैं मरना नहीं चाहती। नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दे रहा हूं, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, बस उम्मीद के सारे अपना हौसला बनाए रखो। विशाखा, जिंदगी में कभी उम्मीद ही नहीं और नहीं चाहिए। और वक्त का क्या है, आज हमारे साथ नहीं कल हमारे साथ हो जाएगा। किस्मत का क्या है, हमारे हमारे जीवन में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, फिर हमारी हमारी किस्मत में मरना लिखा है ना तो मर जाएंगे। लेकिन अगर हमारी किस्मत में एक दूसरे के साथ जीना लिखा है तो हम एक दूसरे के साथ जी, किस्मत से ज्यादा और उससे कम ना ही हमसे कोई छीन सकता है ना ही हमें कोई दे सकता है। अगर तुम्हारी किस्मत में खुश होना लिखा है तो तुम उसके हकदार हो, बस बस उम्मीद मत हारो। तुम बिल्कुल सही कह, हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, हमारी किस्मत में जो लिखा है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर हमारी किस्मत में प्यार लिखा है तो हमें वो प्यार जरूर मिलेगा, कोई हमारे प्यार को हमसे नहीं छीन सकता।
तुम भी कोई मौका नहीं छोड़ते। कितने लोग इंसान वो चांस पे डांस मारना क्या करूं, मुझे डांस करना पसंद है ना। अमित बनाए रुक। आपको होश आ गया? थैंक गॉड, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही थी। कैसा फील हो रहा आपको? कौन हो तुम? यानी माहिर को होश तो आ गया है लेकिन याद कुछ नहीं आया है। माहिर अब भी पहली वाली हालत में ही है। तुम बोल क्यों नहीं रही? वो माहिर जी मैं थी ना यहाँ पहले भी, आपने मुझे देखा था। मैं शिवली की दोस्त हूँ। ठीक है लेकिन रो क्यों रही हो? नहीं, तुम रो रही हो। मैं नहीं, आपको पानी चाहिए? पानी लाऊं मैं? इसलिए तुम्हारी पिट्टी कर रही है क्या? मैं आपके लिए पानी लेके आऊं। तुम रो रही हो? नहीं भाई जी, ये देखो ये आंसू है, तभी तो कह रहा हूँ तुम रो रही हो। सच कह रहा हूँ, ये देखो। मेरी वाइफ नहीं हो ना? आई जस्ट कम। मेरी वाइफ नहीं हो ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या हुआ? क्या हुआ? सिर दुख रहा है। आप प्लीज दिमाग पे जोर मत डालिए, आप आराम करने की कोशिश कीजिए। निधोग वंश के जहर का असर किसी जड़ी बूटी से कम नहीं होगा। मुझे नागमणि को ही लाना होगा वरना पता नहीं आगे क्या हो जाए। सो जाइए प्लीज, प्लीज सो जाइए, आराम कीजिए। बेला मार गया सर, होश आ गया है लेकिन सर में बहुत दर्द है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे नागमणि लानी होगी। मैं माहिर को इस हालत में नहीं देख सकती और इसके अलावा कोई और इलाज भी नहीं। नागमणि से ही माहिर को ठीक किया जा सकता है। क्या हम किसी और जड़ी बूटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? नहीं विक्रांत, कोई फायदा नहीं है और इतना वक्त नहीं है हमारे पास। अगर सुमित्रा की दवाओं ने असर नहीं किया तो इस निढोक वंश के जहर की वजह से माहिर की दिमागी हालत नहीं सुधरेगी। ये सब नहीं देखा जाएगा, मैं नागमणि से माहिर को ठीक कर दूंगी। रही बात मेरी माँ की, तो मेरी माँ ने उनके दो को भी बुला लिया है, तीनों को। क्या बहुत हो गया? अब मुझे पता है वो सुमित्रा किस दिशा में जा रही है। मुझे नागमणि लानी होगी, कुछ भी हो जाए। तुम दोनों माहिर का ख्याल रखना, मैं नागमणि लेकर आती हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? इतने खतरे भरे माहौल में तुम वहां अकेले जाओगी? हम साथ चलेंगे तुम्हारे। हाँ भैया विक्रांत बिल्कुल ठीक कह रहे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम दोनों समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रही। अभी तुम्हें मुझे बताया ना कि सुमित्रा ने गिद्धों को अपने साथ मिला लिया। मेरी जान से ज्यादा खतरा यहाँ माहिर की जान को, और अगर तुम दोनों मेरे साथ आओगे तो यहाँ माहिर का ख्याल कौन रखेगा? कुहू और डैड के भरोसे मैं माहिर को नहीं छोड़ सकती, और अगर माहिर होश में होते तो मैं नागमणि यहाँ कभी नहीं लाती। मैं माहिर को वहां लेकर चलती, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। माहिर होश में नहीं, और अगर उन्हें होश आता भी उन्हें कुछ याद ही नहीं है, इसलिए वो मेरी बात नहीं मानते। इसलिए तुम दोनों मेरी बात मानो, मुझे नागमणि लेने जाने दो, तुम यहाँ माहिर का ख्याल रखो। ठीक है, तो ये कह रहा कि विशाखा यहाँ रहकर माहिर का ध्यान रखेगी और तुम्हारे साथ मैं चलूंगा, क्योंकि जितना खतरा यहाँ है उतना खतरा वहाँ भी है। विक्रांत, हाँ बेला ऐसा ही होगा, विक्रांत तुम्हारे साथ चलेगा और मैं हूँ ना यहाँ, माहिर का ख्याल रख लूंगी मैं। ठीक, लेकिन प्लीज तुम यहाँ अपना और माहिर का ख्याल रखो। भरोसा रखो मैं हूँ यहाँ। चलो रवि, बेला का ध्यान रखना। भरोसा रखो मैं हूँ वहाँ।
जल्दी आऊंगी माए, आप ठीक हो जाएंगे, प्रॉमिस। बेशक, चिंता मत करना। हे भोलेनाथ, बस अब कोई मुसीबत ना आए। तो दोनों साथ ही थे, वेरी गुड। अमिताभ, तुम्हारे दोनों बच्चों को याद है ना उन्हें क्या करना है? बहुत अच्छी तरह से। वैसे तुमने दोग वंश के लोगों को तो पता है कि काम हो जाने के बाद तुम्हें क्या करना है? ऑफ कोर्स अच्छी तरह से याद है, एक बार अगर जुबान दे दी तो दे दी। बड़ी अजीब सी बात है, जो लोग पहले दुश्मन थे और जान लेने की बात कर रहे थे, आज वो ही जुबान देने की बात कर रहे हैं। कुछ अजीब सा लगता है, नहीं? वैसे मैं अमिता एक बात जानना चाह रहा था, तुम बेला से ज्यादा नफरत करती हो या फिर नागमणि से प्यार? Guess? मुझे लगता है कि नफरत से बहुत बड़ी ताकत प्यार में होती है। और तुम्हें भी याद है ना आले, रोहित मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, हम इंसानी रूप में क्यों भाग रहे हैं? अगर हम नागनागिन बन जाएंगे तो नागमणि तक जल्दी पहुंच जाएंगे। जल्दी आओ, चुपो, हमारा पीछा किया जा रहा है, वो देखो। इन गिद्धों की नजरों से कभी नाग नागिन नहीं बच सकते। अगर अपने असली रूप में आ गए ना हम, हमें मीलों दूर तक भी देख सकते हैं, इसलिए इनसे बचने के लिए हमें अपने इंसानी रूप में ही रहना होगा। रूही, ये गिद्ध और नीचे आ रहे हैं, हमें और जल्दी करनी होगी, चलो। हमने आगे के लिए क्या तय किया है? लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि हमारी चाल कामयाब होगी? जरूर होगी, और वैसे भी इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। विक्रांत, मैं सिर्फ दो तक गिनूंगी, एक, दो, कूदो। अब कैसा फील कर रहे हो? यानी माहिर अभी भी उसी हाल में। बेला, नागमणि लेकर जल्दी लौटा ताकि माहिर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। क्या हुआ माहिर? मैं विश हूं, शिवली की बहुत अच्छी दोस्त हूं, बहुत सालों से उसको जानती हूं, इसलिए डरो मत। तुम ये फ्रूट्स लाए, भूख लगी होगी ना तुम्हें?
क्या बात है? शुक्रिया। एक मिनट। कौन है? कौन है यहाँ? हिम्मत है तो सामना करो मेरा। कौन है? लगता है कोई हाइड एंड सीक खेल। माहिर, माहिर, माहिर,